हेलो टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर सेवेंटीन विनिंग फ्रीडम सो दिस चैप्टर आई वांट टू ट्रड्यूस यू दिस चैप्टर आफ्टर द चैप्टर नंबर सिक्सटीन विच वी हैव स्टडी विच इज़ द ग्रेट रिवॉल ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन ओके तो भारत की आज़ादी के लिए जंग छिड़ी एटीन uh, नाइनटीन ओके इन द ईयर एटीन नाइनटीन ओन डी एंड आफ्टर दैट दिस रिवॉल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन ओके स्लोली एंड स्लोली स्टूडेंट्स द मूमेंट्स वर स्टार्टिंग टू ग्रो बिकॉज आज वी हैव डिस्कस दिस ब्रिटिश राज ओके दिस चैप्टर ब्रिटिश राज एंड बियॉन्ड ओके सो ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन के बाद भी स्टूडेंट जैसे मैं लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था तो यही एक कॉन्सेप्ट से स्टार्टिंग करते हुए ये चैप्टर है ठीक है कि एटीन फिफ्टी सेवन की रिवॉल्ट का रिजल्ट क्या हुआ कि द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट जो है स्टार्ट हुआ ठीक है इस इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में और भी रिफ़ॉर्मर्स थे और भी फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने ब्रिटिश से अपने आप को रिलीज़ करने के लिए इंडिया को रिलीज़ करने के लिए फ़ाइट किया तो आइए हम चैप्टर इसको स्टडी करते हैं पढ़ते हैं सो so, वॉट इज द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर लेट्स एक्सप्लोर हाउ वॉज इंडिया स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस यूनिक ओके क्यों ये यूनिक था इंडिया का आज़ाद होना इंडिया स्ट्रगल जो कर रहा था संघर्ष कर रहा था अपनी आज़ादी के लिए ये यूनिक क्यों था वॉट वर द डिफरेंट फेजज एंड मोमेंट्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल अलग अलग जो स्ट्रगल्स हो रहे थे और मोमेंट्स जो हुए हैं जो रिफॉर्मर्स ने किए हैं जो फ्रीडम फाइटर्स ने किए हैं ये क्या क्या थे डिफरेंट डिफरेंट फेजेस क्या थे उसके उसके क्या क्या चरण थे हाउ डिड इंडिया विन फ्रीडम और इंडिया सच में फ्रीडम कैसे जीता ठीक है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे सो दिस विल बी कवर्ड इन टू वॉल्यूम्स ओके स्टूडेंट्स सो ऑल ऑफ यू वॉच इट केयरफुली इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्राम फॉरन रूल हैज़ बीन अ माइल्ड स्टोन फॉर ऑल द कंट्रीज विच फॉट अगेंस्ट द कॉलोनील पावर्स ड्यूरिंग द ट्वेंटी एथ सेंचुरी तो इंडिया भारत का जो संघर्ष रहा अपनी आज़ादी के लिए वो एक माइल्ड स्टोन जैसा था मतलब बहुत ही टफ़ था ये हमारे लिए आज़ादी हमारे लिए प्राप्त करना हमारे लिए आज़ाद होना और ये एक मिसाल के तौर पर सारे देशों के लिए थी जो अपने ही कॉलोनियल पावर के आ, के हक में आ, लड़ रहे थे ठीक है और ट्वेंटी सेंचुरी में बहुत सारे देश थे जो कॉलोनाइज थे और आज़ादी उनको नहीं मिली थी पर इंडिया के इस स्ट्रगल के लिए ये यूनिक था ओके सो दिस फ्रीडम डिड नॉट कम बाय कम ईजिली ये जो आज़ादी है ये आसानी से नहीं मिली नॉट डिड इट कम बाय आर्म रिबेलियन एंड मसाइक ऑफ द रूलर्स ओके बहुत ही मशक्कतों के बाद ये हमें मिली है बहुत ज़्यादा लड़ाई करने के बाद भी हमें ये सब नहीं मिली कि हम बहुत लोगों को ख़त्म कर दिया इंडिया वालों ने ब्रिटिशर्स को मार गिराया है ना तो इस तरह से भी ये नहीं हुआ क्योंकि रिवॉल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन में इंडियन ने ट्राई किया इस चीज़ को पर हर तरह से ये डिफ़ीट हो जा रहे थे तो एज़ वी सॉ इन मैनी यूरोपियन कंट्री जैसे हम बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में देखते हैं देखते आ रहे थे वैसे इंडियन की फ्रीडम इस तरह से नहीं थी इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वॉज यूनिक इन मैनी वेज तो ये यूनिक था ये बहुत ही अनोखा था बहुत सारे तरीके से सम ऑफ़ दीज आर ब्रीफली डिस्क्राइब बिलो कुछ जो हैं कुछ लाइन्स में यहाँ पर डिस्क्राइब किए गए हैं फर्स्ट इट टेस्टेड द वेज ऑफ नॉन वायलेंस और अहिंसा टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस ऑफ द रूलिंग कॉलोनियल पावर एंड बिकेम सक्सेसफुल तो इंडिया इसलिए स्टूडेंट जीत गया क्योंकि वह नॉन वायलेंस से या अहिंसा से प्रोटेस्ट करते थे ठीक है एक मॉरल मॉरल तरीके से ये डिस्क्रमिनेट करना जिसमें कि बिना लड़ाई झगड़ा किए पीसफुल प्रोटेस्ट ओके इसको पीसफुल प्रोटेस्ट भी कहते हैं इसका सहारा लेके नॉन वायलेंस Uh, के असिस्टेंस uh, में है ना नॉन वायलेंस को फॉलो करते हुए इंडियंस ने ब्रिटिशर्स uh, को भगाया ओके सो सेकेंड इट शोज़ दैट ब्लड शेड इज़ ऑलवेज़ नॉट नेसेसरी फॉर शोइंग वन डिसकंटेंट सिर्फ एक खून बहाना ये एक uh, ज़रूरी नहीं है कि वो एक लोगों की नाफरमानी को डिसकंटेंटमेंट को या uh, अस्वेच्छा के okay? डिसकंटेंट मीन्स अस्वेच्छा को दिखाने के लिए जरूरी नहीं था पीसफुल डिसोबीडियंस टू द अनजस्ट डिमांड्स एंड प्रैक्टिस ऑफ द गवर्नमेंट कुड ऑल्सो कंपेल द गवर्नमेंट टू स्टेप बैक तो स्टूडेंट जो गवर्न कर रहा है जो गवर्नमेंट जब उसके आदेशों का हम पालन नहीं करेंगे सारी आदेशों का पालन नहीं करेंगे है ना तो ये भी एक डिसकंटेंट है कि आप हमारे पर रूल नहीं कर सकते ओके इन एवरी वे सो इट डीमॉरलाइज्ड द्र ब्रिटिशर्स वेरी इजिली तो पीसफुल डिसोबीडियंस होता था कि आपके हम चीज़ों uh, को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो इस तरह से उनको अपने पर ठेस लगती थी है ना तो फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स uh, हार मानकर चले गए ओके बिकॉज नो मोरी नो मोर देवर डूइंग्स लेवरी ओके ओके नेक्स्ट इज थर्ड इट हेल्प दैट पीसफुल नॉन कॉपरेशन वॉज द राइट ऑफ द पीपल फ्रॉर रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट नॉन कॉपरेशन मीन्स हम उसमें कॉपरेट नहीं करेंगे पीसफुल नॉन कॉपरेशन ये लोगों का सर्वाजनिक अधिकार था कि वो गवर्नमेंट के रॉन्ग पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं करेंगे ओके नो डाउट देयर वर फ्यू वायलेंट इंसिडेंट ऑफ प्रोटेस्ट फ्यूल बाय द पॉलिसी ऑफ रूदलेस अप्रेशन that the British government followed. Ruthless suppression. It means कि आ, ऐसा आ, था कि बहुत सारे conditions में बहुत सारे ऐसे incidents हुए हैं जिनमें कि भारतीयों ने protest तो किया but ये सब ruthless policy के वजह से हुआ था okay जो Britishers follow कर रहे थे और वो follow India से करवा रहे थे हाउ एवर द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड एज अ पीसफुल रेजिस्टेंस टू द ठीक है अन्याय के खिलाफ ये जो आवाज़ें उठाई जा रही थी इनके लिए आ, ये जो इंडिया का जो स्ट्रगल है ये एक सिर्फ और सिर्फ पीसफुल रेजिस्टेंस माना जाएगा मतलब आ, मतलब शांति से इसका विरोध एक शांत विरोध के रूप में ही माना जाएगा ओके okay? डिस्क्रिमिनेटिंग सेल्फ सीकिंग कॉलोनियल रूल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट जो खुद के ही uh, चीज़ों को से बढ़ाने के लिए कर रहे थे तो गवर्नमेंट स्टूडेंट्स ऐसी होनी चाहिए राजा ऐसे होने चाहिए uh, जो गवर्न करे और लोगों के बेनिफिशियन के लिए ओके okay? तो ब्रिटिश uh, सिर्फ अपने ही uh, अपने ही सिर्फ फ़ायदे के लिए चीज़ें करते थे तो ये नो मोर ही इट वॉज अ गवर्नमेंट ओके इट वॉज अ रूल सो इट नीडेड टू गो फ्राम द कंट्री सो वन द फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट विथ इट्स लीडर्स फॉलोइंग द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस द ब्रिटिश एज वेल एज मैनी इन इंडिया रेडिक्यूल दैम जब फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ तो कुछ लोगों ने जो नॉन वायलेंस अहिंसा से इसको इसको प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे इंडिया में ही जिन्होंने उनका मजाक उड़ाया उड़ाया उनको रेडिक्यूल किया कि इससे हम कभी नहीं जीत सकेंगे इस तरह से ब्रिटिशर्स से कभी नहीं जीत सकेंगे लेकिन ऑन द वे अपोजिट साइड आल्सो अगर हम हिंसा से भी हिंसा से भी चीज़ें करते हैं तो भी हार जाते हैं ओके सो दे वंडर्ड हाउ अ वॉर कुड बी वॉन फ्रॉम द बिगेस्ट कॉलोनियल पावर इन द वर्ल्ड विदाउट वेपन्स एंड वायलेंस तो वो ये बात के ये बात को सोचते थे कि इतनी बड़ी कॉलोनियल पावर से जो कि ब्रिटिशर्स हैं कैसे हैं बिना हथियार के और हिंसा से बिना कैसे लड़ेंगे उसके तो पूरे देश को स्टूडेंट्स इस नॉन वायलेंस में आ, की टीचिंग देने के लिए महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन ही राइज अप ओके एंड पायनियर ऑफ नॉन वायलेंस वंस ही सेड फर्स्ट दे इग्नोर यू

1857 फिफ्टी सेवन आइए हम पढ़ते हैं कि कैसे हमारा देश आजाद हुआ और क्या क्या कठिनाइयां हम लोग को झेलनी पड़ी ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक इज द इंडियन नेशनल कांग्रेस आई एन सी ओके इट वाज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड इन 1885 एटी फाइव बाय अ रिटायर्ड ब्रिटिश ब्यूरोक्रैट नेम्ड ह्यूम द मेन परपज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट दैट टाइम was to give the एजुकेटेड इंडियंस अ प्लेटफॉर्म to हैव अ सिविक एंड political डायलॉग विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है आ, जो आ, ये फॉर्म हुआ ह्यूम ने इसको फॉर्म किया जो कि एक ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट थे 1885 में फॉर्म हुआ और इसका मेन पर्पज़ ये था कि जो शिक्षित भारतीय हैं ये आके गवर्नमेंट से ब्रिटिशर्स से बहुत सारे सिविक और पॉलिटिकल डायलॉग्स और डेवलपमेंट के लिए या फिर हम क्या कर सकते हैं इसके लिए यहाँ पर अपने विचारों को रख सकें ओके द ब्रिटिश ऑन देयर पार्ट वांटेड टू पेसिफाई द इंडियन पीपल एंड अवॉइड एनी इनकनवीनियन सिचुएशन सच एज द ग्रेट रिवॉल ऑफ एटीन तो जैसे ग्रेट रिवॉल ऑफ एटीन हुआ उस तरह से अब कोई भी ऐसा हमला या चीज़ें ऐसी नहीं चाहते थे इसीलिए इंडियन पीपल को वो पेसीफाई करते थे मीन्स उनको चांस देते थे टू ग्रो एंड बिकम वट एवर दे वॉन्ट टू द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस टू प्लेस इन बॉम्बे एंड वॉज अटेंडेड बाई सेवेंटी टू डेलीगेट्स तो फर्स्ट सेशन हुआ था uh, जो कि बॉम्बे में हुआ था जहाँ पर सेवेंटी टू डेलीगेट्स थे इन द बिगनिंग द मेम्बर्स ऑफ द कांग्रेस वर मॉडरेट्स हु बिलीव इन रिक्वेस्टिंग द गवर्मेंट फॉर रिफॉर्म्स तो शुरुआत में स्टूडेंट्स uh, बहुत सारे मॉडरेट्स थे जो जिन्होंने मेंबरशिप ली इसकी कांग्रेस में आए और जिन्होंने बिलीव किया कि हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक कुछ चेंजेस करें कुछ हमारे सोसाइटी में कुछ इंडिया में कुछ बदलाव करें किसानों को कुछ टैक्स की माफ़ी दें या फिर एजुकेशन दें है ना या फिर न्यू न्यू एग्रीकल्चर प्लान्स बताएं और किसी तरह से भी इंडिया को बहुत सारी चीज़ों से सा रिलीफ दें बट द ब्रिटिश नेवर पेड मच अटेंशन टू दीज डिमांड्स तो लेकिन कभी भी आ कभी भी किसी डिमांड्स का जो इंडियंस देते थे इनका इनमें इंटरेस्ट नहीं लिया ब्रिटिशर्स ने कभी इन पर इंटरेस्ट नहीं लिया लेटर ऑन अनदर ग्रुप ऑफ रेडिकल्स डेवलप्ड इन द कांग्रेस हु बिलीव्ड इन फाइटिंग फॉर देयर डिमांड्स टू द ब्रिटिश तो आगे चल के एक ग्रुप ऑफ रेडिकल्स फॉर्म हुआ कांग्रेस में ही जिन्होंने ये विश्वास रखा कि हम अपने मांगों के लिए ब्रिटिशर्स से लड़ेंगे तो ये ग्रुप जो था ये लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था जिनके हेड तीन लोग थे थ्री रिफॉर्मर्स वर देयर वर वेरी वेर फेमस रिफॉर्मर्स एट दैट टाइम वेरी ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स देवर लाल लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्रपाल एंड दे हैव गॉट ग्रेट लाइफ हिस्ट्री स्टूडेंट्स And this is not discussed in the chapter but you can search about them what they have done. They strongly believed in प्रोटेस्ट strikes and boycotts for protesting the government. तो इन्होंने भी एक तरीका अपनाया था कि हम स्वदेशी चीज़ों को ही अपनाएंगे और जो भी भारत के ज़मीन पर उगाई जाती हैं सिर्फ वही चीज़ें खाएंगे और कभी भी हम ब्रिटिशर्स के बनाए हुए चीज़ों को का इस्तेमाल नहीं करेंगे उनको बॉयकॉट करेंगे टू स्टॉप यूजिंग और बाइंग समथिंग और स्ट्राइक करेंगे ओके? सो ऑल दिस प्रोटेस्ट जो आंदोलन होते थे जो स्ट्राइक्स होते थे इन सब चीजों के मदद से वो गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट करते थे तो स्टूडेंट दैट टाइम गवर्नमेंट वाज़ द ब्रिटिशर्स ओनली, ओके नाउ व्हाट हैपन पार्टीशन ऑफ बंगाल द सर्जिंग वेव ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया वाज अ रीजन ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर द रूलिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट सो द सर्जिंग वेव ऑ ऑफ़ नेशनलिज्म इन इंडिया वॉज द रीज़न ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर द रूलिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट ओके सो राष्ट्रवाद की जो आग जो थी ये बढ़ती जा रही थी भारतीयों में क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के द्वारा गवर्न नहीं होना चाहते थे सो बट वॉट हैपन द ब्रिटिश फेल्ट इट इम्पॉसिबल टू हैंडल द यूनाइटेड चैलेंज ऑफ द इंडियंस तो ब्रिटिशर्स को ये बिल्कुल नामुमकिन लगता था कि वो पूरे इंडियन से मिलकर पूरे भारत से मिलकर कैसे लड़ सकते हैं के द वॉइसरा ऑफ इंडिया एट दैट टाइम लॉर्ड क्वर्जन प्लेड द ट्रम्प कार्ड ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी तो उस समय इंडिया का जो वॉयसराय था लॉर्ड क्र्जन इसने डिवाइड एंड रूल का एक खेल खेला टू ब्रेक द नेशनल यूनिटी अमंग द मेजोरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ऑन रिलीजियस ग्राउंड तो धार्मिक स्थल पर पार्टीशन करने की सोची ओके okay? indian population was united completely united all the religions, hindu muslim sikhs and christians uh, everybody was united so he thought to divide so what he did bengal which consisted of hindus and muslims was partitioned in 1905 So, bengal ko ne, uh, Lord Curzon ne partition 1905 mein. bengal was a strategic choice for such a step due to many reasons फ़र्स्ट इट वॉज द हब ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रीज एंड एजुकेशन इन इंडिया सेकेंड इट वॉज डोमिनेटेड बाई द पीपल ऑफ़ टू रिलीजनस तो दो रीज़न थे कि ये क्यों बंगाल को इन्होंने चूज़ किया क्योंकि ये बिज़नेस का पहले तो हब था एजुकेशन का भी हब था शिक्षा भी ये लोग हासिल करने आते थे और दो रिलीजन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर थे जो कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स ओके द ब्रिटिश पार्शियन बंगाल इन द नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस बट देयर मेन मोटिव वॉज टू डिड दू मुस्लिम यूनिटी एंड डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ पीपल फ्राम नेशनलिज्म एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट तो ये करना ये चाहते थे मेनली कि हिंदू और मुस्लिम को भी डिवाइड करें और इनके में यूनिटी ना रहने दें पर इन्होंने ये इसलिए बस ये कन्विस्स किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव ये वजह से ये कर रहे हैं ओके तो ये रियल रीज़न उन्होंने कभी नहीं बताया इसका पर ये भारतीय बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ रहे थे कि हम लोग को अलग करना चाहते हैं ओके बिगनिंग ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट तो अब क्या हुआ अब स्वदेशी चीज़ों को सिर्फ अपनाते थे और बॉयकॉट करते थे जो भी फॉरेन uh, की चीज़ें थी जो भी ब्रिटिशर्स जो इनाग्रेट करते थे बेचते थे लाकर ट्रेडिंग करते थे इन सब का बॉयकॉट होने लगा ओके पीपल ऑफ इंडिया वर ग्रेटली एंगर्ड बाय द पार्टीशन ऑफ बंगाल जब बंगाल का पार्टीशन हुआ तो भारत के लोग बहुत ही गुस्से में थे लाला लाजपत राय लाल बाल पाल यू नो अलोंग विद अरबिंदो घोष एंड अदर पॉलिटिकल लीडर स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट तो इन चारों लोगों ने मिलकर गवर्नमेंट पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया द चीफ मोटिव ऑफ द ब्रिटिश टू स्टे इन इंडिया वॉज टू अर्न प्रॉफिट बाय सेलिंग देयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स तो सबसे चीफ मोटिव जो था ब्रिटिशर्स का वो यही था कि वो इंडिया में और ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। ठीक है इंडियन लीडर्स अटैक देयर इंटरेस्ट बाय अपीलिंग टू द इंडियन मासेस टू बॉयकॉट यूजिंग फॉरेन क्लोथ्स एंड प्रोडक्ट्स एंड यूज ओनली क्लोथ्स मेन मेड इन इंडिया तो इंडियन के इंडियन लीडर्स जो थे इन्होंने लोगों को ये बोला कि आप स्वदेशी चीज़ों को सिर्फ अपनाइए और जो ब्रिटिशर्स जो ट्रेड करते हैं इन सब चीज़ों को कभी भी यूज़ ना करें द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट्स एम टू तो सेंसिटाइज पीपल टुअर्ड्स यूजिंग द गुड्स एंड सर्विसज ऑफ देयर ओन कंट्री एंड कॉटिंग ऑल द फॉरन गुड्स एंड सर्विसिज सो एट द सेम आई टोल्ड यू देर वर स्ट्रॉग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट एवरीवेयर एंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज पब्लिकली कंडेम्ड तो पार्टी ऑफ बंगाल जो जो भी हुआ ये पब्लिकली कंडेम भी इसको किया गया कि ये आपने क्यों किया हमारे देश में आप यूनिटी फॉर्म नहीं होने देना चाहते हैं और क्लियरली मोटिव उनको बताए जा रहे थे कि ब्रिटिशर्स वट आर यू डूइंग वी अंडरस्टैंड डोंट ट्राई टू मेक अस फूल वी आर नॉट फूल्स एनी मोर वी आर अंडरस्टैंडिंग वट यू आर ट्राइंग टू डू ओके तो ये सब प्रोटेस्ट इस तरह से लोग करने लगे सेवरल एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स वर ऑल्सो इमर्ज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन बहुत सारे एक्सट्रीम ग्रुप्स जो थे जो जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो भी निकल कर आए और इस पार्टीशन के लिए प्रोटेस्ट किया द पार्टिशन वॉज मैंट टू डायल्यूट द नेशनल यूनिटी बट इट वर्क द अदर वे अराउंड फॉर द गवर्नमेंट पर इसने गमेंट के लिए एक दूसरी तरफ से वार करना शुरू कर दिया ठीक है ये नेशनल यूनिटी और बढ़ती गई और वंदे मातरम प्रजेंटली द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वॉज कम्पोज इन एटीन ऐटी टू एटीन ऐटी टू में वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग जो भारत का है वो कम्पोज हुआ एंड ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश नाइनटीन हंड्रेड नाइन और नाइनटीन हंड्रेड नाइन में ये ट्रांसलेट भी हो गया इट इंस्पायर्ड एंड सर्च द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग द इंडियन मासेस और इस वंदे मातरम इस सॉन्ग ने जो देश पर है हमारे जो हमारे देश का आज नेशनल सॉन्ग है इस सॉन्ग ने हमारे देश की राष्ट्रवाद को और हमारी एकता को बनाए रखा के यूनिफिकेशन ऑफ बंगाल बंगाल क्यों यूनिक था द गवर्नमेंट वॉज कम्पेयर टू रस इन दफ़ बंगाल वॉज अगेन यूनिफाइड इन नाइनटीन हंड्रेड इलेवन जो पार्टीशन हुआ था वो फिर यूनाइट unit, हो गया स्टूडेंट्स नाइनटीन हंड्रेड इलेवन में ओके इट वॉज सीन एज अ सेट बैक एंड एम्बेरसमेंट फॉर द गवर्नमेंट तो इसके लिए प्रोटेस्ट होता रहा होता रहा और फाइनली इसको यूनिफाइड किया गया तो ये गवर्नमेंट के लिए ब्रिटिशर्स के लिए एक शर्मिंदगी की बात रही तो दैपिटल ऑफ इंडिया वॉज शिफ्टेड फ्राम नाउ नोन एज कोलकाता टू दिल्ली ओके तो कैपिटल ऑफ इंडिया जो पहले कैलकटा था अब वो दिल्ली में शिफ्ट हो गया ठीक है नेम चेंज हो गया इंडियाज पार्टिसिपेशन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन नीडेड हेल्प फ्रॉम इंडिया तो पहली बार जब पूरे वर्ल्ड वॉर हुआ जिसमें यूरोपियन कंट्रीज आपस में लड़ रहे थे दीप तो इंडिया की भी हेल्प उसमें पड़ी ठीक है तो ब्रिटेन को इंडिया से हेल्प चाहिए थी

और उनको फ्री uh, होके जीने देंगे हाउ एवर बाइट द एंड ऑफ द वॉर इट बिकेम क्लियर दैट द ब्रिटिश द ब्रिटिश हैड नो ब्रेक द नेशनल यूनिटी अमंग द मेजोरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वॉज ऑन रिलीजियस ग्राउंड सॉरी या इट इज अगेन या सो ब्रिटिश हैड नो इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग देयर कमिटमेंट तो ब्रिटिशर्स का कोई भी कमिटमेंट नहीं था और उसको फुलफिल वो भी नहीं करना चाहते थे मीन सिर्फ हवा में उनकी बातें थी है ना वो अपने रिलीजियस सेंटीमेंट्स में बने रहे ठीक है वो अपने इविल सेंटीमेंट्स में भी बने रहे इन प्लेस ऑफ ग्रांटिंग द राइट टू फ्रीडम द ब्रिटिश फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ओके द ब्रिटिश ब्रॉड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बिच वॉज ऑफ नो यूज़ फॉर इंडियंस तो इंडियंस ने हेल्प भी की ब्रिटेन को ब्रिटिशर्स को लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स uh, ने उनको फिर वापस उसका तोहफा नहीं दिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आए जो कि इंडियंस के किसी भी काम का नहीं था टू सप्रेस एनी काइंड ऑफ रिवॉल्ट अगेंस्ट ट्रैच आर एंड जस्टिस द ब्रिटिश गवर्नमेंट एनफोर्स द रो एक्ट तो किसी भी एक्ट को uh, स्टार्ट करने का ये मोटिव होता है स्टूडेंट्स तो अब इनका मोटिव ये था कि अब ये कोई भी तरह का रिवॉल्ट नहीं चाहते इंडियंस से और कोई भी ये नहीं कहे कि हमने इनजस्टिस किया या अन्याय किया तो ब्रिटिशर्स ने फिर से एक एक मूर्खता का काम फिर से कर दिया जो कि एक इन्फोर्समेंट किया इसका रेगोलेट एक्ट का दिस एक्ट वॉज टर्म्ड एज ब्लैक एक्ट एज इट ऑथराइज गवर्नमेंट टू अरेस्ट एनी वन सस्पीशियस ऑफ वर्किंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट तो उन्होंने इस एक्ट को लेके आया क्योंकि इसका नाम था ब्लैक एक्ट ओके रोल एट एक्ट कि अगर कोई ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाएगा कोई गवर्नमेंट के खिलाफ किसी भी चीज़ों में जाएगा तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा ऑल द टॉप रैंकिंग लीडर्स वर अरेस्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉजिंग पब्लिक अनरेस्ट तो बहुत सारे टॉप रैंकिंग जो लीडर्स थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया इसमें ओके okay? अब क्या हुआ द जलियान वाला बाग मसाकर दिस वॉज एन आउट ऑफ रूडलेसनेस टू द मासज ऑफ इंडिया ओके okay? तो ये जो है इसके वजह से एक आउट शो हुआ बहुत ही ज़्यादा एक रूदलेसनेस के तरह से इंडिया में इसको देखा जाने लगा क्योंकि ये बहुत सारे प्रोटेस्ट के बाद भी नॉन वायलेंस बॉयकॉट करने के बाद भी ये ब्रिटिशर्स अपने अंदाज़े में नहीं आ रहे थे ठीक है तो ऑन थर्टीन अप्रैल नाइनटीन नाइनटीन अ पीसफुल पब्लिक गैदरिंग वॉज हेल्ड इन वाला बाग इन अमृतसर एक बहुत ही पीसफुल जो है पब्लिक गैदरिंग हुई जलियान वाला बाग में अमृतसर में टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अन पॉलिसीज ऑफ़ द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट के जो अन पॉलिसीज हैं उनको प्रोटेस्ट किया जाए है ना द ब्रिटिश ऑफिसर नेम जनरल डायर केम विद्रूप ब्लॉक द ओनली गेट ऑफ द पार्क एंड ओपन फायर ऑन द इनोसेंट पब्लिक विदाउट वार्निंग बिना वार्न किए जनरल डायर जो कि ब्रिटिश ऑफिसर था इसने गेट के एक पार्क को बंद किया और पूरे जगह पर आग लगा दी द फायरिंग ओनली स्टॉप बैन द ऑल द एम्यूनियन वॉज ओवर जब सब अम्यूनियन ख़त्म हो गया अम्यूनियन का मतलब है सारा प्रोटेस्ट जब ख़त्म हो गया लोगों का तभी ये फायरिंग उन्होंने खत्म उसको बंद किया

और बहुत बहुत लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी इसमें तो ये फिर भी बेस नहीं गया इसने एक अनदर मोमेंट को जन्म दिया के नेक्स्ट इज़ द खिलाफत मोमेंट ओके सो फ्रॉम द खिलाफत मोमेंट टू द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वॉल्यूम ओके स्टूडेंट्स थैंक यू अ नाइस डे प्लीज़ चेक आउट द नेक्स्ट वॉल्यूम